तो गाइज ये इसके अंदर अपना कीबोर्ड है, चलो इसको फटाफट से काट लेते हैं। अपनी स्पेशल कैचेस है जो कि कहीं से स्पेशल नहीं लगती। नाउ देखते हैं अपने कीबोर्ड को, इसके अंदर इनवॉइस था और कुछ नहीं। और ये है अपना कीबोर्ड, क्वांटम रैपिड स्ट्राइक मैकेनिकल कीबोर्ड, USB कीबोर्ड। और पीछे कुछ स्पेसिफिकेशंस है, चलो उसको पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे इसका पूरा लुक दे रखा है और यहाँ ऊपर है मैकेनिकल कीज विथ RGB LEDs और मैनी लाइटिंग कॉम्बिनेशन, USB प्लग एंड प्ले, कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, और विथ रूपी सिंबल जो इसमें मिलता है हमें, और विथ कलर चेंज कीज, कलर चेंज भी कर सकते हैं इसका, चलो ये तो बढ़िया है। एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ है और हैवी ड्यूटी कीबोर्ड। बाकी यहाँ पे मॉडल नंबर, ब्रांड, कलर ये सब पढ़ सकते हो तुम लोग। यहाँ मैं वीडियो पॉज कर दूंगा। और यहाँ इनके ट्विटर और सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स दे रखे हैं, जो कौन ही फॉलो करेगा इनको। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है इसको एक बार ओपन कर चुके हैं, लेट्स सी अगर अंदर कुछ खराब ना मिले। तो ओपन करने के बाद हमें मिल जाता है एक, क्या ये अनहैप्पी का कार्ड और पीछे हैप्पी। अगर हैप्पी हो तो इनको रेट कर दो, अनहैप्पी हो तो डू लेट देम नो। और यहाँ अपना कीबोर्ड, इसके थोड़े लुक्स एंजॉय करना यहाँ पे, एस्थेटिक शॉट्स। यहाँ केबल मिल जाती है जो कि ब्रेडेड नहीं है, पर काफ़ी मोटी केबल है ये, तो कटने या फिर वेयर एंड टेयर होने का तो सवाल ही नहीं बनता। चलो अब कीबोर्ड निकालते अपना, टड़ा। अब इसके ये थोड़ी कीज थोड़ी ट्रांसपेरेंट सी है जहाँ पे अल्फाबेट लिखे हुए हैं, क्योंकि RGB इफेक्ट वहीं से पॉप आउट होता है इसका। और स्पेस बार में एक बड़ा सा यहाँ पे ग्रिल जैसा दे रखा है। बाकी ये लुक, और ये कीबोर्ड के जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर है कीज, आवाज सुन सकते हो। अब इसको प्लग करके एक बार चला के देखते हैं। बाकी बॉक्स कंटेंट तो यही है, आओ जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी। सो गाइज ये कीबोर्ड, आवाज मैंने सुनाई दी थी। और इसके पीछे भी यहाँ पे इसको हाइट अप करने के लिए यहाँ पे दो क्लैंप्स मिल जाते हैं, क्लैंप्स को या क्या कहो, यहाँ पे रबर पैडिंग है ताकि ये स्लाइड ऑफ ना कर जाए टेबल से, तो बहुत ही मुश्किल से स्लाइड ऑफ होता है। अब इसको प्लग करके देख लेते हैं एक बार। तो प्लग होते ही यहाँ पे आप लाइटिंग इफेक्ट देख सकते हो, हर रो में अलग अलग कलर है, ऊपर वाइट, देन रेड, देन ऑरेंज और येलोइश कलर, देन ग्रीन, ब्लू और लास्ट में ये पर्पल नहीं मैगेंटा कहेंगे इसको शायद, वाला कलर है। यहाँ पे एक की दे रखी है, इससे कलर चेंज हो जाता है, मतलब इफेक्ट। तो ये शायद से वेव इफेक्ट है, इसके बाद ये रो बाय रो इफेक्ट है एक, फिर ये एक और एक वेव इफेक्ट है बट थोड़ा कॉलम वाइज है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो एक इंडिविजुअल लाइट जल रही है, अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूँ तो ये वाला एक इफेक्ट है जिसमें इंडिविजुअली एक की लाइट जलती है जिसको हम प्रेस करते हैं। दूसरा इफेक्ट देखें तो ये भी वेव इफेक्ट है, एंड देन सारे इफेक्ट देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम जो भी की को प्रेस करते हैं वहाँ से पूरा वेव इफेक्ट चालू हो जाता है, जैसे एन को प्रेस किया यहाँ से। ये वाला मेरा फेवरेट है, जब मैं किसी की वीडियोस देखता था अनबॉक्सिंग की तो ये मेरे को बहुत पसंद आता था। बाकी देखते हैं आगे भी इफेक्ट है। हाँ ये ब्रीदिंग इफेक्ट है, और ये वाला एक और इफेक्ट है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता इसमें कितने इफेक्ट्स है टोटल, आप काउंट कर लेना। और ये तो है ही फाइनल इफेक्ट, मतलब फर्स्ट इफेक्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो
नंबर लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक के लिए जो कीज दे रखी हैं उनके आइकन बड़े अलग अलग हैं। जैसे नंबर लॉक के लिए 1 दे रखा है, कैप्स लॉक के लिए कैपिटल A, स्क्रॉल लॉक के लिए विंडो वाला साइन। बट आई डोंट नो, ये वर्क नहीं कर रहा। और गाइज यहाँ पे फंक्शन कीज हैं, उनके साथ साथ हमें कुछ मल्टीमीडिया ऑप्शंस भी मिल जाते हैं जो हमें अगर एक्सेस करने थे। यहाँ पे फंक्शन की दे रखी है एक, उसको हम प्रेस करके इसको चला सकते हैं। तो अगर थोड़े एस्थेटिक शॉट्स मैं रिकॉर्ड करूँगा तो यहाँ पे बीच में क्लिप को डाल दूँगा। सो गाइज आप इसको देख सकते हो, अगर लाइट्स ऑफ करके मैं दिखाऊँ तो कितना बढ़िया लगता है ये। अगर कोई रात में टाइपिंग करता है तो उसके बहुत ही काम आ सकता है, ज़्यादा आंखों पे स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा इससे क्योंकि लाइट बड़ी सॉफ्ट है, तो बढ़िया है सब। सो गाइज ये है मेरा न्यू कीबोर्ड मैकेनिकल और ये है मेरा पुराना वाला मेम्ब्रेन कीबोर्ड। तो अभी हम करने वाले हैं इनका साउंड डिफरेंस जो कीज़ प्रेस करने पे आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो ये कीबोर्ड इतना बड़ा है और जो कीज़ जो पॉप आउट हो रही हैं, मतलब ये पूरा फ्लैट बोर्ड है एक और उसके ऊपर कीज़ लगी हुई हैं। और यहाँ पे अगर इसकी बात करी जाए तो ये अंदर को मेम्ब्रेन है उससे टच होती है, तो ये इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है कीज़ की और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। एंड ये सारी देख सकते हो आप डिफरेंस कीज़ का। एंड अब साउंड डिफरेंस देख लेते हैं, तो और इसकी कीज़ की साउंड सुनना, कुछ है ही नहीं ना डिफरेंस के लायक। तो मेम्ब्रेन कीबोर्ड में तो जो कीज़ की साउंड आती है वो सिर्फ स्ट्रोक की होती है, जितना टाइट जितना तेज़ हम स्ट्रोक मारेंगे वैसी साउंड आती है जैसे ये। और लेकिन अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो अगर हम उसको हल्के से भी प्रेस करते हैं तो बहुत ही मधुर आवाज़ आती है। एंड अगर मैं यहाँ एरो कीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया साउंड आ रही है इन कंपैरिजन टू अल्फाबेटिकल कीज़। आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है बट स्टिल कोई नहीं बढ़िया है। ऐसे अगर मैं इसमें टाइपिंग की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया टाइपिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर ये मैकेनिकल है तो मुझे बहुत ही हार्ड प्रेस करना पड़ रहा है कीज को दबाने के लिए, बहुत ही सॉफ्ट प्रेस करना पड़ रहा है और मेरे को तो लग रहा है शायद मेम्ब्रेन वाले से भी कम प्रेस करना पड़ रहा है इसको। अब मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं कि इसमें कैसे टाइपिंग होती है, बस साउंड कंपैरिजन आप कर सकते हो इतने से। गाइस अगर मैं एक की निकाल के दिखाऊं तो इसके नीचे आप देख सकते हो एक सेपरेट स्विच है, इसकी की निकालेंगे तो इसके नीचे एक मेम्ब्रेन मिलेगी, इसकी की निकालेंगे तो इसके नीचे एक मेम्ब्रेन मिलती है, वो सारी मेम्ब्रेन इंटरकनेक्टेड होती है और ये सारी की उसके ऊपर लगी होती हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग स्विच होते हैं। तो मैं लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है। तो ये कुछ ऐसा स्विच टाइप का है ब्लू कलर का, इसके ऊपर ये की कैप लग जाता है, काफ़ी बढ़िया है ये भी।